सब बच्चन को जमाना है पापा, एकदम मस्त फ्री है। ये राजू बेल आइकन को क्लिक भी कर लेना है पापा। जेई मेंस अभी आपको पहाड़ की तरह लग रही होगी। अगर NIT, IIT या इंडिया के बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो जेई नाम का ये पहाड़ आपको तोड़ना ही पड़ेगा। ये जेई तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है भैया, उनसे नहीं हो पाएगी भैया। ओए ओगी तू चिंता मत कर, बस इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और ये भैया आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स दिखाएगा जो आप सोचोगे जेई तो केक वॉक है। तो दोस्तों हम हमारे टीचर्स से, दोस्तों से इधर उधर से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और समझते हैं कि जेई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और इसको क्लियर करना मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना। बाय द वे दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, कम से कम मजा तो आएगा। लेकिन जब हम जेई की तैयारी करने के लिए पढ़ने बैठते हैं तो हमारी हालत ही खराब हो जाती है और हम समझते हैं कि ये तो हमसे होगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि क्या होता है कि हमको ये पता ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमको क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आज हमें आपके लिए खास ये वीडियो लेकर आए हैं और अगर आप 6 से 5 महीने या उससे भी कम टाइम में जेई मेंस और एडवांस क्लियर करना चाहते हैं तो आप सही जगह आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जेई का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है क्योंकि इसमें 11th 12th के टॉपिक्स आते हैं आपको पता ही है और सब टॉपिक में से कुछ ना कुछ आता ही है। एक तो इतना बड़ा सिलेबस है बाबा और ऊपर के टाइप भी कम है यार। राजू जल्दी बताना रे क्या करना है। तो दोस्तों रिलैक्स, आपके लिए हम ले आए हैं रामायण इलाज। ये टिप्स जो मैं आपके बताने जा रहा हूँ वो आपने अगर फॉलो की तो पक्का NIT IIT आपकी जेब में ही होगा। जी मैम, मैं भी IIT में जाऊंगा मैम, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे मैम। हाँ बेटा UPIIT में जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए जान लेते हैं ये 4 टिप्स। टिप नंबर 1 है JEE की गीता, मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की गीता माता। टिप नंबर 2 है हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। टिप नंबर 3 है पुराने ग्रंथों का अभ्यास। टिप नंबर 4 है जो सबसे अमेजिंग टिप है वो है लास्ट सो फास्ट। और अगर आपने ये सब टिप्स जेन्युइनली बिल्कुल अच्छे टाइम टेबल बना के अगर आपने फॉलो की तो पक्की बात यह है कि आपका कम से कम NIT में तो सिलेक्शन होना ही होना है। IIT ना हो लेकिन NIT तो मिल ही जाएगा किसी भी हालत में, वो भी ऐसा ऐसा NIT नहीं टॉप NIT आपको मिलेगा। तो बिना समय गवाए लेट्स स्टार्ट। टिप नंबर 1 JEE की गीता यानी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की गीता माता। दोस्तों जैसे सभी शास्त्रों में गीता जो सबसे बेसिक होती है और सभी शास्त्रों की क्या होती है वो फाउंडेशन होती है, ऐसे ही जो सारी JEE की बुक्स है, SC वर्मा ले लो, एरोड्रॉप्स ले लो, कोई सी भी बुक ले लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, तो सभी की जो बेसिक बुक है जो सबका फाउंडेशन है वो एक बुक है जिसको अपन गीता कह सकते हैं, वो है NCERT। दोस्तों आपने बहुत सारे गूगल सर्च करे होंगे, फोरम पढ़े होंगे, वेबसाइट्स खोली होंगी, कोरा पे भी पढ़ा होगा और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और सभी ने एक एडवाइस जरूर दी होगी कि NCERT पढ़ना ना भूले, NCERT से ही फाउंडेशन बनता है। मैं NCERT के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं कभी पढ़ाई नहीं करूंगा। तो दोस्तों रिलैक्स, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, पर हाँ अगर आप केवल और केवल NCERT से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को पढ़कर सारी एक्सरसाइज सोल्व कर लेते हैं तो आपका बेस चट्टान की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यही जो चीज़ है वो JEE मेंस और एडवांस में पूछी जाती है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो NCERT के बेस पे ही बनते हैं। तो टिप नंबर 2 है हाउ एंड वाई, जी हाँ दोस्तों क्यों और कैसे। अगर आप NCERT के एक एक टॉपिक का हाउ एंड वाई जानकर पढ़ेंगे तो एडवांस में भी आपको हार्ड क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे, क्योंकि हर टॉपिक का हाउ एंड वाई जानकर पढ़ने से आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर एडवांस के बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस आप यूं ही सॉल्व कर सकेंगे। दिस इज द सीक्रेट्स ऑफ टॉपर्स, वो पूरा समझ के ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चाहे आप इतनी भी बुक सोल्व कर लें मगर अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो वो प्रैक्टिस भी बेकार ही जाएगी। कोचिंग में तो बस आपको जल्दी जल्दी ये बता देते हैं कि फॉर्मूला है, बस इसको रट लो और क्वेश्चन सोल्व करो, बस यही सबसे बड़ी गलती हो गई। हाउ एंड वाई नहीं जाना ना, हाउ एंड वाई जानने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप पर। तो टिप नंबर 3 है पुराने ग्रंथों का अभ्यास। ओए ओगी ये क्या बोल रहा है, ये JEE की तैयारी करनी है पंडित बनने की। भैया आप चिंता मत करो भैया, आप बस सुनते जाइए। जी हाँ दोस्तों पुराने ग्रंथों से हमारा मतलब है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स
या 36 ईयर तक के क्वेश्चंस टाइम फ्रेम में, यानी जो टाइम आपको जेई मेन या एडवांस के लिए मिलता है उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका एनआईटी या आईआईटी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो टिप नंबर 4 है लास्ट सो फास्ट। लास्ट सो फास्ट का मतलब है जो लास्ट के मंथ्स है, जब सभी लोग इंटेंस प्रिपरेशन कर रहे होंगे तब आपको क्या करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पूरे साल तो पढ़ते हैं पर लास्ट में वो ढील ढाल कर देते हैं, मेरे को तो सब कुछ आता है रे बाबा। लास्ट मंथ में सबको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत सारे डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं। लास्ट मंथ की प्रिपरेशन ही डिसाइड करती है आपकी रैंक को। अगर आप सारा पढ़ा हुआ लास्ट मंथ में रिवाइज नहीं करते हैं तो सारा पढ़ा हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा रे बाबा। आज का बोनस, आपको तो पता ही होगा कि एडवांस जो होने वाली है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होगी 2018 से, तो आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए ये वेबसाइट सबसे बढ़िया रहेगी। दोस्तों ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसे मैंने भी यूज़ किया हुआ है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। और उस वेबसाइट का नाम है mbibe.com। इस पे आप ऑनलाइन पेपर सोल्व कर सकते हैं बिना किसी चार्जेस के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रामायण कि कैसे हम 5-6 मंथ में जेई को क्लियर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो थम्स अप जरूर कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हम आपके नई नई वीडियोस लाते रहेंगे भैया। अच्छा, हैव अ ग्रेट डे।